नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट लगभग जारी हो गया है और अब काउंसलिंग की बारी है। आपको बता दें कि 18 से लेकर 24 तक काउंसलिंग की तारीख जो है वो रखी गई थी और कई शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंटर पर पहुंच भी रहे थे, लेकिन अब इन सब के बीच बीपीएससी शिक्षक भर्तियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल काउंसलिंग का डेट जो है उसे बढ़ा दिया गया है और जो 18 से 24 के बीच में काउंसलिंग करने वाले थे उनको ये बड़ी राहत मिली है कि जो अभी तक सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं पहुंच पाए थे वो 30 अक्टूबर तक सेंटर पर पहुंच सकते हैं और अपनी काउंसलिंग जो है वो भी संपन्न करवा सकते हैं। आपको मालूम है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन कई सारी दिक्कतें जो है वो भी आ रही थी। जब अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच रहे थे तो उन्हें ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण काउंसलिंग जो है वो रुक भी गई। लेकिन वही अब ये बड़ा फैसला लिया गया है उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए कि जिन्हें दिक्कत हुई है उनके लिए काउंसलिंग की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो 30 अक्टूबर तक अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ी राहत उन्हें मिली है। वहीं आप बता दें आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सभी विषयों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। माध्यमिक यानी कि 9वीं व 10वीं के 32,916 सीटों के लिए करीब 26,089 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं और वहीं सामाजिक विज्ञान में 99 शिक्षक उन्हें मिले हैं। जिस तरीके से आपको यह भी बता दें कि सबसे अधिक कट ऑफ पर जिला आवंटित किया गया है, इसमें विकल्प के अनुसार कम अभ्यर्थियों को जिला मिल सका। माध्यमिक में 79.25 सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। वही वेबसाइट जो बीपीएससी का वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in पर तमाम चीज़ों जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। वही नवनियुक्त जो शिक्षक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी वो शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं, उनकी काउंसलिंग की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। 30 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग जो है वो चलेगी। इसकी जानकारी खुद पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया है। शिक्षा विभाग ने 18 से 24 अक्टूबर तक की तारीख जो है वो निर्धारित की थी और वहीं पटना जिला की काउंसलिंग पटना हाई स्कूल में हो रही है। पटना जिला की बात करें तो करीब 1400 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है। वहीं 500 शिक्षकों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है वो कराया है और इस तरीके से 928 की काउंसलिंग हुई थी और अब तक 1 से 5वीं और 11वीं और 12वीं की काउंसलिंग जो है वो चल रही थी और वहीं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी राहत उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जिनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ था, जो काउंसलिंग के लिए अभी तक सेंटर पर नहीं पहुँच पा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके से दिक्कत हो रही थी। तो यह बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है कि अब काउंसलिंग की तारीख जो 18 से 24 अक्टूबर रखी गई थी उसे बढ़ा के 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी वो आप पहुंच सकते हैं और अपनी काउंसलिंग संपन्न करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।